रेगा ही बोले तो ज़्यादा सही है, बट मुझे ऐसा लगा कि रेगा ने ओवर रिएक्ट किया, टू बी रियली ऑनेस्ट। बाकी जो चीज़ें हैं सो आई डोंट वॉन्ट टू रिएक्ट ऑन इट फर्दर, बट मेरे ऊपर बात आई फॉर द लास्ट 1-1.5 ईयर्स आई हैव ऑलवेज वर्कड। मैंने हमेशा जो है इस तरीके से रेगा की हेल्प करी कि उसके ऊपर से हीट हटाऊँ मैं, उसको कॉल करना, उसको समझाना, पर्सनल लाइफ, यूट्यूब लाइफ, सेट्यूअल लाइफ, हर चीज़ के बारे में उसको राड़े बुंड पंगों से निकालने के लिए उसको मैंने बोला, हमेशा समझाया, जब भी उसने मदद चाही, नहीं चाही तो खुद सामने से समझाया, सब कुछ किया, उसके साथ खेलना, जब ही यूज़ टू स्ट्रीम अलोन, सब कुछ किया। एंड इन दी एंड इफ दैट पर्सन डू दिस टू मी, तुम लोग समझ लो वॉट शुड बी माई स्टैंड। आई एम हर्ट एंड आई विल बी हर्ट एंड आई विल रिमेन हर्ट नो मैटर वॉट। हर किसी की अंधी ऑडियंस होती है, मेरे भी कुछ लोग होंगे जो कि मेरे को, मेरी बस बात सुन के किसी को कुछ बोलने चले जाएं। आई डोंट वॉन्ट इट। लिसन टू माई साइड, अंडरस्टैंड द साइड्स एंड देन रिएक्ट। इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग माई साइड, इफ़ यू से कि मैं गलत हूँ, ठीक है, बट अगर रेगा के कुछ लोग हैं जो बस उसकी बात सुन के मेरे को तोड़ने आ रहे हैं, तो आई कैन नॉट डू इट। एंड वो उसकी वजह से हुआ, जस्ट बिकॉज उसने बोल दिया कि पर्सनल चैट नहीं दिखानी चाहिए थी। क्या पर्सनल था उसमें? मैं बोल देता अगर, मैं बस, उसने मेरे को बोली ये चीज़ कि मैं फैमिली ट्रिप पे जा रहा हूँ, मैं अगर बस ये बात बोल देता, यार उसने तो मेरे को बताया था फैमिली ट्रिप पे जा रहा है, अरे देखो वो तो यहाँ पे गया है, ओके रहती ना वो चीज़, तब तो ओके रहती। मैंने वो चीज़ मैसेज में दिखा दिया, वही सेम चीज़ बोलने के बजाय मैंने उसको मैसेज में दिखा दिया, तो वो चीज़ ख़राब हो गई। मैंने उसके साथ कोई 10-15-20 चीज़ और थोड़ी दिखा दी जिसकी वजह से हमारी कोई बहुत पर्सनल चीज़ बाहर आ गई, या रेगा की पर्सनल लाइफ कोई बाहर आ गई, या मेरे और रेगा का कोई बहुत पर्सनल डिस्कशन बाहर आ गया। नहीं था ना ऐसा। मैं बोलता अरे बेंच, वो तो फैमिली ट्रिप पे बोल के गया था मेरे को गाइस, और देखो वो यहाँ पे जो है वो केतन वेतन के साथ ट्रिप पे गया हुआ है, साले ने झूठ बोला मुझसे। अगर मैं ऐसे बोलता तो वो चिल हो जाता, और अगर मैंने ये दिखा दिया वही चीज़ इन वर्ड वर्ड फॉर्मेट दिखा दिया मैंने, तो वो गलत हो गया। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। दिस इज़ द थिंग जिस पे मैं अपना सर खुजा रहा हूँ कि ये कैसे गलत है। मेरे को कोई बता दे इस चीज़ पे कि हाउ एम आई रॉन्ग इन दिस। इसमें चैट तुमने झूठा झूठा क्यों किया? क्योंकि मुझे बुरा लगी वो चीज़। दिस इज़ द थिंग, तुम लोगों को नहीं पता वो चीज़, लेकिन छोड़ो खैर, वो चीज़ मैंने झूठा झूठा बोला, चलो ठीक है, वो थी, वो तो चीज़ बोलने की थी क्योंकि उसने मेरे को बोला कि मैं फैमिली ट्रिप पे गया हुआ था और साला वो यहाँ पे गया हुआ है, झूठ बोल के गया साला, मेरे से बेवकूफ़ बनाए मेरे को, यही तो बोला मैंने, और क्या बोलूँगा। अरे उसने फैमिली ट्रिप पे जाने को बोला और वो केतन के साथ गया, सच बोला, देखा बैंचू कितना सच सच बोलता है, ये थोड़ी बोलता, ऑब्वियसली ये बोला कि यार चूतिया बनाया मेरे को, ऐसी बातें करते हो, समझता मेरे। मैच्योर एक्ट करता हूँ स्ट्रीम पे, मैं थोड़ा सा मैच्योरली बात करता हूँ, मैं थोड़ा सा बड़े बड़ों की तरह बात करता हूँ, पीपल थिंक आई एम एरोगेंट। रेगा बड़ा हो गया है, व्हेन ही वाज इन SATUL, व्हेन ही केम न्यू इन SATUL, एवरीबडी यूज टू लव हिम एज अ किड, बच्चों वाला प्यार देता था हर कोई, मैंने भी दिया, मॉडल ने भी दिया, सब ने दिया, नाउ इज अ ग्रोन अप गाय, एंड वी एज ब्रदर्स डोंट एक्सपेक्ट इमेच्योर एक्ट्स। अब वो बढ़ गया है, बड़ा हो गया है, तो हम लोग नहीं बोल सकते गाइस, हम लोग नहीं बता सकते, हम लोग नहीं बोल सकते गाइस। वो क्यूट हरकतें करता है, चैट टेक्स हिम एज अ किड, बट ही इज बिग नाउ, ही इज मेच्योर। हम लोग उसका यूट्यूबर साइड से हटके हम पर्व और पर्व सिंह से बात करते हैं ना, पर्व सिंह के साथ घूमते हैं, वी नो हाउ हाउ वेल मैच्योर्ड ही इज। ये है उसकी फैमिली, यू इंटेंटेड। हाँ तो वो तो मस्ती में बोला ना गाइस, तुम लोगों को समझो एक बात,
What do you want me to do? While I'm doing a reaction, should I sit like this? मैंने क्या बोला कि फैमिली ट्रिप बोला था, देखो गाइज वहाँ पे तो ये फैमिली ट्रिप है इनकी, यही तो बोला। What do you expect from a मतलब अब नेट पिकिंग करोगे, बातों को उठा के तोड़ मरोड़ के मेरे को अगर गलत दिखाने पे मजबूर रहोगे तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ बताओ। मेरे को एक बहुत ही भले आदमी ने एक चीज़ कहा था मुझसे एक बार कि इफ़ यू सी अ पर्सन रॉन्ग देन यू विल गेट 100 रीजंस टू सी हिम एज अ रॉन्ग पर्सन। किसी बंदे को आप गलत मानते हो ना, किसी बंदे को अगर गलत ठहराना है आपको और अगर उसको आप गलत मान के ही बैठे हो तो आपको 100 वजहें मिल जाएंगी उसको गलत मानने की, लेकिन अगर किसी बंदे को सही मानते हो तो उसकी एक वजह भी बहुत है भाई उसको सही मान के रखने के लिए। जस्ट एक्सेप्ट इट फ्रॉम योर साइड एंड मूव ऑन। मेरी साइड से यार आई डोंट नो वेयर आई एम रॉन्ग। इफ़ यू वॉन्ट, इफ़ यू गाइज आर एडमेंट कि मेरे को गलत, मैं गलत हूँ और मुझे गलती मान लेनी चाहिए तो ठीक है, आई एम सॉरी। इफ़ यू गाइज सो डेस्परेटली वॉन्ट कि भाई मांबा को सॉरी बोलना पड़ेगा, वो गलत है, ये सॉरी क्यों नहीं बोल रहा है, ये सॉरी बोलता क्यों नहीं है, तो ठीक है मैं सॉरी बोल रहा हूँ, मेरी गलती है, मेरे को गलती समझा देना बट मैं सॉरी बोल देता हूँ ताकि तुम लोगों का दिल ठंडा हो जाए बस, ठीक है। तुम लोगों से सॉरी बोलता हूँ बिकॉज आई डिडंट डू रॉन्ग टू हिम, मैं तुम लोगों को सॉरी बोलता हूँ अगर तुम लोगों को ये लगता है कि मैंने तुम लोगों को कुछ मैंने कुछ गलत कर दिया, आई से सॉरी बट आई डिडंट डू रॉन्ग टू हिम बस।